हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आप लोग को दिखाएंगे मेरा फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉगिंग करने वाला और मेरा राइडिंग स्किल को आप लोग को हम दिखाएंगे। आज हम ईटानगर से चेपा की ओर राइड कर रहा है और जा रहा है। अभी ईटानगर से हम निकल रहा है 2:30 है। और गाइस, प्लीज़ कीप कमेंट्स और शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, हमें माया दया करके सपोर्ट कीजिए प्लीज़ गाइस। और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। हम ईटानगर से अभी निकल रहे हैं, 2:20 हो गया है, तो चेपा की ओर जा रहा है। आप लोग को हम दिखाएगा मेरा जो राइडिंग स्किल को हम दिखाएंगे आपको। ये नार लगन पहुंच गया है ईटानगर से और आप देख सकते हैं काफ़ी धूली है, पाई नहीं है, पूरा दस इतना धूली है कि यहाँ पे टू व्हीलर लोग का कोई मतलब एकदम कंफर्ट से चलाने का जगह है, जितना भी साफ कपड़ा पहना पहना भी हेलमेट नहीं पहनने वाला को हेलमेट नहीं पहनने वाला को और भी प्रॉब्लम। अभी हम पोच पहुँचने वाला है और ये जहाँ मैं पोच पहुँचने से पहले कंस्ट्रक्शन जो ब्रिज बना रहा है उसी जगह में पता नहीं हम वहाँ से करती जैसे को ईटानगर से निकला है और अभी सिपा में कम से कम 7 या 8 बजे हम पहुँचेगा होगा शायद, यहाँ तक स्कूटी है अभी स्पीड नहीं जा सकता है। बारिश सीजन में यहाँ में बहुत तकलीफ होता है, बारिश सीजन में यहाँ पे बहुत काफ़ी खतरनाक होता है। अभी होच पहुँचने वाला है, यहाँ से लेफ्ट साइड जाएगा जैसे ये सपाटी होते हुए अभी यहाँ से जहाँ जाते रहना है, अभी हम सीधा यहाँ से जाते रहना है। काफी रिस्की है, ज्यादा गाड़ी आना स्कूटी में आगे हम कार बस में हम धुला नहीं दिया था, कार्बोरेटर जगह में पानी बहुत ज़्यादा मार दिया तो इसलिए कार्बोरेटर जगह पानी घुस के है, इसके पकाने के लिए नहीं भाग रहा है। अच्छा, अब क्या करते हैं ये इसमें जो ना आगे हम कार वाश में पानी घुलाने दिया था, कार्बोरेटर जगह में पानी मार दिया ना, पानी घुसा है तो बुरबुरा रहा है। हाँ, बुक बुक आ रहा है
कार्बोरेटर को साफ काम में जाइए। हाँ अपा काम है अपा अपा एलसी लाइन मेरे साथ में चलिए। हाँ ये जो ना कुल्ले में आप भी कर सकता है। चलो चलो और हम सगाली पहुंच गए। सगाली पहुंच के गैरेज में कार्बोरेटर को हम साफ़ करने देने के लिए किया तो मैकेनिक वाला बोला दूसरा गैरेज में जाने के लिए बोला। दूसरा गैरेज में भी हम देखा या बनाने वाला नहीं था। फिर भी स्कूटी जो फिर से स्मूथली जैसे अच्छा से कंडीशन में चल रहा ऐसा हो रहा था तो हम सोचा कि खोलना ज़रूरी नहीं है ऐसे चला आएगा बोल के। तो चलते चलते फाइनली अच्छा ही हो गया। वो वाला प्रॉब्लम्स जो नहीं आया है दोबारा प्रॉब्लम से बुक बुक करके स्टार्ट ऑफ करने के लिए ऐसा नहीं हुआ है तो हम सेफली चलते रह गया। सगाली को क्रॉस करने के बाद आगे में एक कुछ ढाबा है एग्री ढाबा बोल के वहाँ में हम ये डिनर किया है ताकि फिर हम यहाँ से कंटिन्यू निकल जाता है अपना जर्नी में। निकल जाएगा डायरेक्ट इच्छे पा पहुँचेगा यहाँ से हम। ओहो यहाँ से अभी हम डायरेक्ट से पा पहुँचेगा उसके बाद एकदम बहुत फुल सेफ्टी है। रात को पूरा क्लियर कट दिखाई देता है। अभी पता नहीं कितना घंटा यहाँ से लगेगा होगा जो सिपा पहुँचने में। यहाँ से अभी नॉन स्टॉप हम चलेंगे और हम ऊपर वाला से हम परमेश्वर से लॉर्ड से हमें प्रे करता है कि रास्ता में स्कूटी और हम दोनों को कुछ प्रॉब्लम ना आए एकदम सेफली हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचने दो बोल के मैं प्रे करता हूं। और इसके बाद यहां पे अभी हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। गाइस आप लोग हमको सपोर्ट करना क्योंकि आप लोग को हम दिखाने के लिए हम अपना जो डेली जो हम एक्टिविटीज़ करता है आप लोग को हम इस तरह से मेहनत और मेहनत से हम करते हैं। आप लोग माया दया करके सपोर्ट कीजिए। हम केसंग का पके केसंग का व्यू पॉइंट ये है। व्यू पॉइंट हम पहुंच गया। अभी कितना बजा होगा आप थोड़ा टाइम भी देख लेगा। ये है व्यू पॉइंट। मैं टायर चेक करता हूँ टायर की हवा बिल्कुल सही है सही है। उसके बाद और हम चेक करता हूँ आगे के टायर भी ठीक है क्योंकि आज हम नहीं निकलने से पहले हम हवा जो टायर का हवा चेक करने दिया था बिल्कुल सही है। और अब यहाँ में बैग मेरा बैग है और ये यहाँ में 4 लीटर ये गैलन में घुसता है तो वैसे हम ऑलमोस्ट 2 लीटर यहाँ में फिल कर चुका है। काफ़ी ये स्कूटी अप्रीला जाने के लिए ठीक है। पिकअप भी सही है पकता भी है बट फ्यूल बहुत जाता है। बट ये रॉयल इनफील्ड छोटा कार लोग का बराबर ये फ्यूल जाता है। हम इटानगर टू सेपा जाने में हमको कम से कम 1000 या 1500 का ऑलमोस्ट पेट्रोल डालना पड़ता है जाता है। जितना स्पीड भगाएगा उतना तेल पीता है जैसे मशीन लोग का। तो मेरा ये स्पीडोमीटर जो खराब है बाकी से पूरा ठीक ही है। तो अभी हम निकल जाएगा फिर टाइम अभी 6:32 हो गया है। अभी हम पक्के केसंग व्यू पॉइंट में हैं गाइस आप लोग देख सकता है। और हम आज ईटानगर से 2:30 को निकला था अभी पक्के केसंग पहुँचते ही 6:33 हो गया। और यहाँ से हम कंटिन्यू सेपा की ओर निकलेगा। अभी पक्के किचन जिस तरह पहुँच चुका है और आप लोग हमको सपोर्ट करना। रात का जर्नी है और मेरा राइडिंग स्किल आप लोग को हम दिखाने के लिए मोटो ब्लॉगिंग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। और वैसे हम सेफली राइड कर रहा है और आप लोग का जो सपोर्ट से हम बहुत अच्छे से राइडिंग कर रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है गाइस। एंड कीप वाचिंग माय ब्लॉग एंड थैंक यू गाइस। अभी हम फिर निकल रहे हैं यहाँ पर स्टेशन थोड़ा सा रेस करके थोड़ा जा रहा है स्टेशन। यहाँ से अभी सेपा पहुँचने से पहले हमको रिलो मिलेगा उसका रिलो का बाद हमको वहाँ में डायरेक्ट सेपा पहुँचना होगा। तो अभी यहाँ से केसंग टू रिलो के बीच में वो जंगल है फॉरेस्ट
बहुत डीप फॉरेस्ट जंगल है, वहाँ में भी थोड़ा खतरनाक है। पहले हम वहाँ में एक बियर के साथ में टक्कर लगा था, भालू के साथ में, और वो दिन में हमको संभल के जाना होगा। उसी समय ऐसे मेरा स्कूटी में इतना लाइट, एलईडी लाइट, फॉग लाइट और इंस्टॉल नहीं किया था, अभी तो इंस्टॉल कर दिया है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं, मेरा लिए आप लोग सपोर्ट कर देना गाइस प्लीज़, हमको माया नया करके साथ देना, और अभी हम निकलेंगे फिर से। ये पक्के केसन का जो प्लेन एरिया जगह है, आप सभी को पता है पक्के वैली जो बहुत सुंदर है और दिन को बहुत सुंदर दिखता है। ये अभी रात में है, ये पूरा प्लेन एरिया है, बहुत सुंदर दिखता है पक्के केसन जो। ये पक्के केसन का पुलिस चेक पॉइंट है ये जगह जो। रिलो पहुंच चुका है, रिलो पहुंच चुका है, और रिलो का आगे में वो जंगल है, वो जंगल है बहुत डरावना है। एंड गाइस फाइनली हम सेपा टाउन पहुंच गया है, यहाँ से सेपा टाउन तक गेट है, मैं सेपा टाउन पहुंच गया है। उसके बाद अभी हम यहाँ से, मेरा भाई बहन लोजा में रह रहा है, हम वहीं पहुंचेंगे, वहीं पहुंचेंगे। यहाँ से सबसे सेपा का सब टाउन, सेपा टाउन का नॉर्थ साइड में सबसे लास्ट में है, जो कि हम जहाँ में पहुंचेगा, जो कि मेरा भाई बहन लोजा रह रहा है। काफ़ी सेपा टाउन का रोड, सेपा टाउन का रोड, टाउनशिप का रोड देखिए, हालत बहुत ख़राब है, बहुत गंदा है, बहुत ख़राब से भी ख़राब है रोड जो। टाउनशिप का रोड देखिए बहुत खराब है, बहुत खराब है। भाई बहन का घर गाइस, हम फाइनली हम जहाँ में पहुँचना चाहिए सेपा पहुँच गया है, मेरा भाई बहन का जहाँ में रह रहा है, हम यहाँ पहुँच गया है। और हम वहाँ से निकला था इटानगर से 2:30 को, और वहाँ से आते आते यहाँ में अभी पहुँचा है 9:30 हो गया क्या सर, तो टाइम देखना होगा, टाइम दिखेगा तो टाइम बचा है। और अभी 8:40 हो गया, वहाँ से 12:30 को निकला है ईटानगर से, और यहाँ में 8:40 को पहुँचा है। एंड गाइस आप लोग मेरा ब्लॉग को, वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, हमें माया दया करके सपोर्ट कीजिए, और आप लोग को भी हम सपोर्ट करते रहेगा। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए आप लोग टेक केयर रहना, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।